हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिफ्लिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे भी मैसेज आए थे कि सिफ्लिनम के बारे में बताएं। तो फ्रेंड, सिफ्लिनम एक ऐसे नोसोड है, नोसोड उसको बोलते हैं जो उस जीव यानी एनिमल से ही प्राप्त होता है। तो सिफ्लिनम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे बाल झड़ रहा है, हेयर फॉल में ज़्यादा यूज करते हैं, वॉशिंग मनिया है, यानी कि किसी किसी आदमी में या औरत में बार बार अपने आप हाथ को साफ रखने की बीमारी लग जाती है, उस बीमारी की भी ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा सिफ्लिनम हर उस रोग में काम करती है जो सूर्यास्त के बाद, यानी रात में जितने भी बीमारियों से अगर आप तकलीफ पा रहे हैं, तो और ऐसा कंडीशन आता है कि आप भाई दवा ले रहे हैं, आराम हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, वो बीमारी रात में आपको ज़्यादा परेशान करती है, दिन में कम रहता है, ऐसे कंडीशंस को हटाने के लिए अपने बॉडी से आपको सिफ्लिनम एक बार लेना ज़रूर पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कि इस कंडीशंस में आप होम्योपैथिक सिफ्लिनम को कब ले सकते हैं। चूँकि सिफ्लिनम नोसोड ग्रुप से है, इसलिए आप इसको 1 mg पोटेंसी मिले तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर बार बार वॉशिंग मनिया हो, हाथ धोने की बीमारी या लत लग गई हो, तो आप सिफ्लिनम 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में एक बार लेंगे, धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम से निजात मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सिफ्लिनम अगर रात की बीमारी है, आप बार बार दवा ले रहे हैं लेकिन आराम होके फिर बीमारी हो जा रही है और रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो एक बार आपको सिफ्लिनम लेना होता है। वो बॉडी में जो इनकरेक्ट हो गई है परिस्थिति, उसको करेक्ट करती है ताकि मेडिसिन सही से सूट करे। अब हम बात कर रहे हैं उन रोगों में, जिन रोगों में आप सिफ्लिनम को का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के सुखंडी में आप सिफ्लिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को सुखंडी हो गया है, सुखंडी मतलब बच्चा सूखते चला जाता है, ऐसे कंडीशंस में आप सिफ्लिनम को 200 पोटेंसी मिलेंगे और 2 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह में दे दीजिए और 2 बूंद आधा कप पानी में डालकर रात में, धीरे धीरे सुखंडी से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी कंडीशंस अगर हम बात करें, शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो, चाहे वो कमर में दर्द हो, चाहे वो सर में दर्द हो, चाहे वो पीठ में दर्द हो, अगर वो दर्द रात में बढ़ता है, दिन में आराम रहता है, तो आपको एक बार सिफ्लिनम लेना जरूर चाहिए। सिफ्लिनम उस चीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। एलोपैथ में रात दिन से कोई मतलब नहीं होता, अगर दर्द हो रहा है तो आप एक दर्द की दवा ले लें, लेकिन होम्योपैथ की ये खूबसूरती है कि अगर आप सिम्टम लक्षण को अगर ले कर चलते हैं तो जड़ से बीमारी ख़त्म होने का दावा होम्योपैथ यही वजह से करता है। अब हम बात करते हैं सेरिब्रो मेनिंजाइटिस के कंडीशंस में या सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस के कंडीशंस। बहुत सारे लोग सिमेसिफोगा का यूज़ करते हैं, लेकिन सिमेसिफोगा से सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको सिफ्लिनम देती है। सिफ्लिनम आप ले सकते हैं 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 1 mg पोटेंसी में, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशाब करते समय अगर जलन हो, झटका देने की तरह दर्द हो, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिफ्लिनम में पेशाब में जलन भी रहता है, लेकिन अगर पेशाब में जलन के साथ साथ बार बार झटका जैसा ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से वेग दे रहा है, ऐसे कंडीशंस अगर हैं तो आप सिफ्लिनम 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लीजिए, धीरे धीरे आपको इस बीमारी से काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। सिर्फ पेशाब में जलन नहीं, अगर आपको स्वप्न दोष की बीमारी है या ध्वज भंग की बीमारी, अर्ली इजैकुलेशन की बीमारी है, या मूत्र नली में घाव की तरह अगर दर्द होता है, या बहुत सारे लोग जानते होंगे जिनको सुजाक की कंडीशंस हो जाती है, बार बार लिंग में घाव हो जाना और वो धीरे धीरे मवाज में बदलने लगता है, ऐसे कंडीशंस में भी सिफ्लिनम बहुत बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आपको सिफ्लिनम 200 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर ये तीनों कंडीशंस अगर हो
तो आप दिन में 3 बार लीजिए, 15 दिन से 20 दिन आपको ये दवा लेना है। धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे अगर हम बात करें, अगर धातु यानी सीमेंट पतलापन हो गया है तो भी आप सिफलिनम का यूज़ कर सकते हैं। सिफलिनम को 1 एम पोटेंसी में लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर प्रत्येक सप्ताह कम से कम आपको 6 सप्ताह तक लेना होता है। या पेशाब करते समय अगर सीमेंट बाहर आ जाता है तो ऐसे कंडीशंस में भी आप सिफलिनम का यूज़ कर सकते हैं। या सुजाक की कंडीशंस हो गई है, बहुत ज़्यादा मवाज आना शुरू हो गया है, आप दवा ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपको सिफलिनम 1 एम पोटेंसी में लेना है और सप्ताह में 1 दिन लेना है। धीरे धीरे आपका जो सुजाक का कंडीशन है, पेशाब के साथ सीमन के आने की कंडीशंस है, इन सब में सिफलिनम से काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगर बच्चा पेशाब कर दे रहा है, पेशाब बहुत गर्म रहता है, लाल रंग का रहता है, तेज गंध रहता है, अक्सर लोग क्रियोजोट से इसकी कल्पना तुलना करते हैं, लेकिन सिफलिनम और क्रियोजोट में बहुत अंतर है। क्रियोजोट में गंध तीक्ष्ण होता है, सिफलिनम में गंध इतना रहता है कि आपके पास तक पहुंच जाता है। और उसके साथ अगर बच्चा रात में नींद में पेशाब कर दे तो आपको सिफलिनम देना चाहिए। सिफलिनम आप बच्चे को अगर दे रहे हैं तो 200 पोटेंसी में देंगे, दिन में 1 बार सुबह सुबह खाली पेट देंगे तो भी राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी गुर्दे की जगह यानी किडनी के जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो दर्द पूरे कमर तक जाता है, अगर इस तरह के पेन हो और इस तरह का दर्द हो तो आप सिफलिनम 200 पोटेंसी में, बहुत ज़्यादा तेज दर्द है तो आप आधे आधे घंटे से 4-5 बार दीजिए, आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किडनी का ये दर्द, जैसे एक सवाल था कि भाई दर्द तो कमर में सबको होता है तो फिर मैं सिफलिनम कब दूंगा, कमर में दर्द या किडनी के जगह वाली दर्द अगर पेशाब करने से घट जाए तो आपको सिफलिनम के अलावा कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है इस धरती पे, चाहे आप एलोपैथ लें, आयुर्वेद लें, होम्योपैथ लें, कुछ भी लें, क्योंकि ये एकमात्र सिम्टम्स हैं जो सिफलिनम से मिलती है। इसके अलावा पेशाब करने के बाद बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, सिस्टाइटिस की बीमारी जिसको आप बोलते हैं, उस कंडीशंस में भी आप सिफलिनम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ पैर में अगर जलन हो और जलन ठंडे पानी से, आप जब हाथ पे ठंडा पानी डालते हैं तो आपको आराम मिलता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी सिफलिनम को आप यूज़ कर सकते हैं। सिफलिनम आप 1 एम पोटेंसी में लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर प्रत्येक सप्ताह लीजिए, धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सिफलिनम को फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। सिफलिनम का जो फीवर के पेशेंट होते हैं, सिफलिनम के फीवर को आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिफलिनम का फीवर में एक साइड वाले भाग गर्म रहता है और एक साइड वाले भाग ठंडा रहता है, यानी हाथ का पिछला भाग गर्म रहता है और पैर ठंडा रहता है, मुंह और गर्दन इतना गर्म रहता है मानो जैसे ही आप छुएंगे तो आपको महसूस होगा बहुत ज़्यादा फीवर है, लेकिन रोगी लगातार पंखे की हवा चाहता है। आप कल्पना कर सकते हैं, या आप अगर होम्योपैथ से रिलेटेड है तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा इग्नेशिया की तरफ। फ्रेंड्स, यही खूबसूरती है होम्योपैथ की कि आप इसको इग्नेशिया से नहीं ठीक कर सकते, आपको सिफलिनम लेना चाहिए। और यही वजह है कि आपको हर छोटी सी छोटी बात और हर बड़ी से बड़ी बात जानना चाहिए, वो कोई भी हो,
अगर आप सही लक्षण पे सही दवा देते हैं तो ठीक होना है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिफ्लिनम का, बहुत ज़्यादा जो यूज होता है, अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, सर में दर्द के साथ, या सर दर्द को बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं सर्दी की। नई सर्दी हो जाती है या बहुत दिनों की पुरानी सर्दी हो, नाक से पीला या सफ़ेद रंग का बलगम निकलता हो, नाक में किसी चीज़ का गंध नहीं आता हो, और पेशेंट बोलता है साहब साल भर तो मुझे सर्दी ही रहती है। अक्सर लोग काली बाइक्रोम से धोखा खाते हैं। आपको काली बाइक्रोम नहीं बल्कि उसके जगह सिफ्लिनम और सिर्फ एक डोज देना चाहिए, यानी 15 दिन में 1 mg पोटेंसी आप 5 बूंद आधा कप पानी में लीजिए। आपको नई सर्दी होना, पुराने से पुराने सर्दी हो जाना जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रही हो, या नाक से पीला बार बार गिरने की कंडीशंस को काफ़ी हद तक राहत देती है। इसके अलावा आपको सिफ्लिनम हर उस सुजाक की कंडीशंस में, जैसे माता पिता को सुजाक है और अगर बच्चे को होता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन आती है सर दर्द। इसके माथे में दर्द के साथ साथ जलन होता है, माथे के बीच में दबाव या भार मालूम होता है, या सर में बहुत ज़्यादा खुजली होना, रूसी होना, इस सब में सिफ्लिनम ज़रूर काम करती है। तो मुझे आशा है कि आपको सिफ्लिनम पसंद आई होगी। सिफ्लिनम के अगर कोई भी सिम्टम मिलता है तो आप ज़रूर लीजिए, और ज़रूर ये जानकारी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।